हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेथड क्लास में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एटोनाइड एच क्रीम के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हो एटोनाइड एच क्रीम, इसका जो कंटेंट है हाइड्रोकॉर्टिजोन है। ये कैसे यूज़ किया जाता है, क्या इसका दाम है, सब जानकारी दूंगा। याद रखिए, इस चैनल पर हम काफ़ी सारे वीडियोज़ मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स पर रिव्यू करते हैं, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स। ओके, तो हमारे साथ बनी रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो एटोनाइड एच क्रीम जो होता है, इसका कंटेंट जो होता है वो होता है हाइड्रोकॉर्टिजोन। हाइड्रोकॉर्टिजोन जो होता है एक माइल्ड स्टेरॉयड होता है। एक्चुअली हाइड्रोकॉर्टिजोन के काफ़ी सारे यूजेस आ जाते हैं, और ये सिंपल, जैसे कि मानो कि थोड़ा सा चोट लगा हो या कोई भी सिंपल सा इन्फेक्शन हो, वहाँ पर यूज़ ना करें, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ क्या इसके यूजेस हैं, कैसे यूज़ किया जाता है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एटोनाइड एच जो क्रीम होता है 195 रुपीज़ में आपको मार्केट में मिल जाता है, या ऑनलाइन भी आप ले सकते हो। ओके, तो ये जो आपको मिल जाता है, यूजुअली आपको लगानी होती है उन इन्फेक्शंस में जहाँ पर माइल्ड फंगल इन्फेक्शन हो, या आपका जो एटोपिक डर्माटाइटिस हो, एक्जिमा जिसे कहा जाता है, तो सोरियाटिक अर्थराइटिस पे जहाँ पर रैशेस होते हैं वहाँ पर भी, ये तीन जगह में काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। लेकिन हर एक ब्राइटनेस के लिए, फेस वॉश जैसे फेस के लिए ग्लो होने के लिए ये मत यूज़ करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और ये यूज़ करने का तरीका जो होता है, ये आपको एक फिंगर में आपको लगाना होता है, लगाकर आपको जहाँ पर भी आपको लगाना है वहाँ पर आप हल्के से लगाकर वॉश करके लगाएं तो बेहतर रहेगा। हर वक्त वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वॉश करना है, नहाना है तो नहा कर बाद में लगाएं बेहतर रहेगा। लगाकर आपको दिन में एक बार या दो बार होता है लगाकर छोड़ दें, इसको आपको 10 से 15 दिन लगाएं और आपको इफ़ेक्ट देखने को मिल जाना चाहिए। स्पेशली वाइट पैचेस जो होते हैं, नॉट विटिलिगो, विटिलिगो से वाइट पैचेस वो नहीं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन से भी थोड़ा माइल्ड वाइट पैचेस होते हैं, वहाँ पर भी यह काफ़ी असरदार और काफ़ी बढ़िया होता है। याद रखिए कि ये जो क्रीम होता है बच्चों से लेकर बड़ों में भी सेफ है, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायग्नोसिस सही होना चाहिए और आपको डॉक्टर की सलाह या पर्ची के बगैर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर डायग्नोसिस रॉन्ग होता हो और आप लगाते हो तो ये इन्फेक्शन ज़्यादा कर सकता है। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी हो सकता है। याद रखिए कि इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन बढ़ सकता है। एलर्जी जैसे होती है कि कीड़ा काटने से, या कोई फूड एलर्जी या ड्रग एलर्जी, कुछ भी एलर्जी, उस पर ना लगाएं। जब होता हो, वैसा होता हो तो ना लगाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर लगाते हो तो वो ज़्यादा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। याद रखिए 10 से 15 दिन लगाने से इफ़ेक्ट अच्छा रहेगा। अगर कम नहीं होता हो तो अपने डॉक्टर को दोबारा रीचेक करें, दोबारा रीडायग्नोस करें। ओके, और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन के फंगल एंटी फंगल ड्रग्स दे सकते हैं, लेकिन कंफर्म होना चाहिए डायग्नोसिस। ओके, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। टेक केयर, बाय।